42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ये हॉल नंबर 3 का असम पवेलियन है। और असम पवेलियन में आप देखिए, यहाँ लोग असम पवेलियन को देखने आ रहे हैं और असम के कलाकार भी राज्य दिवस समारोह मना रहे हैं, असम डे सेलिब्रेशन 22 नवंबर 2023। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दुलाल मंग। हाँ बताएं क्या कुछ। मैं असम का आर्टिस्ट हूँ, मैं पद्मश्री हूँ, पद्मश्री अवार्ड। बहुत बहुत स्वागत है आरजे पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में। आप बताएं कि आप असम के कल्चर को ट्रेड फेयर के दर्शकों को असम के है? असम में जो आर्ट एंड कल्चर है, असम का ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक जो है, वो लोग लेके आए हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग झुमुर प्रदर्शन करेंगे, झुमुर दिखलाएंगे। झुमुर असम के बगान के लोग, आदिवासी लोग, चार जनगोष्ठी लोग कैसे रहते हैं, कैसे उन लोग का कल्चर है, वो कल्चर दिखाने के हम लोग बुलाए हैं और हम लोग आए हैं। और हम लोग 6 बजे स्टार्ट करेंगे गाना बजना। थैंक यू वेरी मच। आप एक कलाकार के रूप में क्या बताना चाहेंगे पॉजिटिव मीडिया के दर्शकों को? मैं पहले सबको मैं मेरा धन्यवाद जनाता हूँ। मैं असम से आता हूँ, मैं कल्चरल एफेयर से आया हूँ। हम हाजोंग असम का एक हाजोंग जनजाति हो। हम हाजोंग का जो है लेवाताना नृत्य, वो यहाँ मैं प्रदर्शन करेंगे, ये मेरा बात है। धन्यवाद। तो ये असम के कलाकार थे और इन लोगों से पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस यहाँ पहुँच चुका है ट्रेड फेयर में और बातचीत कर रहा है 22 नवंबर 2023 को। और हर राज्य दिवस समारोह को कवर करने की हम लोगों की कोशिश हो रही है, कलाकारों से भी बातचीत कर रहे हैं। हेलो जी, जय हिंद। यहाँ आप देख रहे हैं कि असम के कलाकार के चेहरे पर इतनी मुस्कान है, तो ये मुस्कान बनी रहनी चाहिए। और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय मेले में जब कलाकार आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो क्या भावनाएं होती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। बात करना चाहेंगे, क्या परफॉर्म किया आप लोगों ने? हम लोगों ने झूमर परफॉर्म किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा मंच हम लोगों को मिला परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और अच्छा लगा बहुत, झूमर झूमर जो हम लोग का कल्चर प्रोग्राम मतलब जो है वो। तो आपने जो परफॉर्म किया जी, तो वो आप लोगों का वहाँ पर इस तरह के परफॉर्मेंस की व्यवस्था है, आप लोग क्या करते हैं? सर 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 स्टूडेंट हैं आप लोग जी? नहीं, कुछ स्टूडेंट है, कुछ ये नर्स करते हैं, तो मैं पीएफ क्लर्क हूँ, पीएफ का काम करती हूँ। ये भी स्टूडेंट है मतलब मिक्स है, स्टूडेंट प्लस जॉब करना एम्प्लॉय, हाँ ऐसा है। चलिए बहुत बहुत अच्छा, पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। आप कलाकारों को और मौका मिले और इसी तरह से मुस्कुराते रहें आप। ये असम पवेलियन है, हॉल नंबर 3 में ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का ये 42वां संस्करण है। और असम पवेलियन में इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेशन भी दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरह की छोटी छोटी घरेलू उपयोग की चीज़ें जो हैं, वो हाथ से किस तरह से बनाया जा रहा है। और ये एक घास होता है जो तालाबों में मिलता है, और इस घास से किस तरह से ये डलिया
और इस तरह के सब्जी वगैरह लाने के लिए जो थैले हैं उसका निर्माण किया जा रहा है। और ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक का विकल्प है ये, और ये बहुत ही पुरानी परंपरा रही है आसाम की तरफ। काफ़ी ये पौधे भी होते हैं और इससे ये सामान जो है वो बनाए जा रहे हैं। इस घास का नाम क्या है वो बताएंगी? वाटर हाइजिंग। जी हाँ, तो इस तरह से जो हस्तशिल्पी हैं वो इन सब चीज़ों को बना रहे हैं। आसाम के बहुत सारे यहाँ बॉम्बू के उत्पाद हैं, आप यूज के हैं, आप इसको उपयोग कर सकते हैं कई तरह के। देखिए कप भी हैं, ये सब बम्बू के बनाए हुए हैं, बांस के। बहुत ही कलाकारी है, हस्तशिल्पियों का जवाब नहीं है। और आसाम तो बांस में बहुत ही फेमस है, यहाँ पे आसाम के जो कॉस्ट्यूम हैं वो भी हैं इस तरह के। और यहाँ देखिए, तब यहाँ तो बहुत ही उम्दा किस्म के हस्तशिल्पी जो हैं वो आसाम पेवेलियन में प्रदर्शित कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जो घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं और प्लास्टिक को रिप्लेस करने का विकल्प है ये प्लास्टिक के। जो प्लास्टिक में आप सामान ले जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों में भी आप ऑफिस बैग वगैरह हर तरह की चीज़ें हैं आसाम के। तो यहाँ पे आप देखिए असम की चाय बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में है, असम के ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत असम के चाय जो हैं वो यहाँ पर हैं। बहुत ही धन्यवाद जी। हाँ, और जी रामनिवास नोवाल साहब जो हैं वो सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, आज असम डे है, आज चाय पीजिए। असम के चाय की खासियत बताइए, क्यों पूरा वर्ल्ड जो है असम की चाय पीना? असम की चाय में फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है असम की चाय में, और फेमस है। हाँ, और लीकर बहुत अच्छा है इसका, स्ट्रॉन्ग चाय जो है वो असम की है। बाकी हमारे दिनेश जी भी यानी है, दिनेश जी तो बहुत ही अच्छे परिधान में है और ये मेला दर्शन आसाम डे के परिधान में है। हमारे जीटीसी लॉन्च में पूरे आसाम की बढ़िया बगानों की सिंगल स्टेट की चाय मिलती है। यहाँ में चाय में कोई ब्लेंड नहीं है, प्योर जो बगान वाले चाय पैक करते हैं वही चाय हम बेचते हैं और ये चाय लीकर टेस्ट करके आपको पिलाते हैं। आजकल जो है वो ग्रीन टी का बड़ा वो फैशन चल गया है एक तरह से। फैशन नहीं है ये, स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत जरूरी है। वो भी बनाते हैं? हाँ जी, वो भी हमारे यहाँ मिलती है। उसके अंदर में जिसको डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, उसकी खेती अलग से होती है। नहीं, खेती चाय वही है लेकिन बनाने का तरीका अलग है, इसमें प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस अलग है। चलिए, तो हाइजेनिक चाय जिसे कि हम ग्रीन टी के नाम से लोग जो है बड़े स्वास्थ्य वर्धक तरीके से खाते हैं। तो दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है फोटो भी तस्वीर खींच रहे हैं और यहाँ ज्वेलरी भी, आसाम की ज्वेलरी जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का ये काउंसिल के द्वारा तैयार उत्पाद जो हैं यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी आसाम के हैं। तो आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस यहाँ आ चुका है और 22 नवंबर को आपको दिखाने जा रहा है। ये भी सब आसाम का है। ये देखिए आसाम के कितने खूबसूरत जो चीज़ें हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक ही छत के नीचे आसाम पेविलियन है ये। और आसाम पेविलियन में आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया खूबसूरत चीज़ें जो हैं आसाम से लाई गई हैं। और इसीलिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है इसका प्रमोशन करता है कि हमारे भारत के भाई बहन जो हैं वो निराश होकर न जाएं। यहाँ पे हस्तशिल्पी का एक बहुत ही नायाब उदाहरण दिखाई, आसाम पेविलियन बहुत ही खूबसूरत, बाहर से आप देखिए तो आसाम पेविलियन को ऐसा सजाया गया है कि जैसे कि खूबसूरती में चार चांद लग रहा है। तो ये डिज़ाइन करने वाले का भी जो है धन्यवाद हम करते हैं। ये गोवा के पास है और आप देखेंगे तो बगल में जो है वो लद्दाख का है, ब्रांड लद्दाख लिखा हुआ है और असम पेविलियन हॉल नंबर तीन है। ये हॉल नंबर तीन में आपको असम पेविलियन के दर्शन करा दिए और दर्शक जो है खुशी खुशी आ रहे हैं, जा रहे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ये बहुत ही खुशनुमा माहौल है। तो आइए चलते हैं आगे। असम के मोगा सिल्क को तो आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है। और लाइफ साइकिल ऑफ मोगा सिल्क वर्म यहाँ पे देखिए डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कलाकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमणीकांत कोलीचा। हाँ रमणीकांत जी, किस तरह से ये रेशम के धागे बनाते हैं, एक डिमोन्स्ट्रेशन रमणीकांत जी से आप देखिए। ये मशीन है और यहाँ पर जो है मोगा सिल्क जो है तैयार हो रहा है ना, मोगा सिल्क तैयार हो रहा है। मोगा सिल्क
ओनली असम में होता है, दुनिया भर कोई जगह नहीं मिलता है। हम लोग रेशम वो मार्बेला एसोसिएट से आया है। हम लोग का रेशम का फार्म है, ये रेशम इस तरह से बनता है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है पौधे में, देखिए ये रेशम जो है, यहाँ कीड़ा भी दिख रहा है आपको। ये ओरिजिनल कीड़ा है बिल्कुल। हाँ, ये हाथ में लग जाए तो खुजली होगी? नहीं होगी, है इसमें नहीं होता है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जो आपको तकरीबन आसाम जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। लेकिन ये ट्रेड फेयर की खासियत मानिए कि आपको किस तरह से ये जो कीड़ा है वो किस तरह से अपना जीवन दान करके और रेशम को पैदा करता है। अपना जीवन दान करके ना है करके और यहाँ के हमारे लिए जीवन दान करता है। दान करता है जी जी जी। बताइए कितना आसान प्रोसेस है रेशम का? उसको आसान में इतना इजी नहीं है, उसको पालना होगा। वो सीरिया को पालने के लिए बहुत शत्रु आता है, वो रियलिंग करने के लिए वो बाघ भी खाता है और उसको पालने के लिए बहुत कष्ट होता है। और बाद में वो ठेका बनाएगा, ठेका से कपड़ा बनाएगा और फिर जो धागा जो है इस रूप में आपको मिलता है जिससे कि वस्त्र बनाए जाते हैं। ये जो है एरी सिल्क है, एरी सिल्क, ये एरी सिल्क का मूठ है जी। मूठ ये अंडा देती है, अंडा दे के वो मर जाते हैं। ये अंडा से फिर वो हैचिंग होगा, हैचिंग के बाद उसका वो केतर पिला आ जाए, केतर पिलर को पालना होगा। ऐसा करके हैचिंग का सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके फिफ्थ स्टेज आ जाएगा। फिफ्थ स्टेज आके तो मिश्रित होगा, वो कोकुन बनाएगा, कोकुन से ठगा बनाएगा। ये जो एरी कोकुन है इसका जिंदा से कीड़ा को निकल देता है, इसलिए इसको अहिंसा सिल्क बोलता है। इसको उगाल के ऐसा केक बनाना होगा, केक से इस मशीन पर धागा बनाता है, धागा बन जाएगा फिर वस्त्र बनेगा। हाँ, इस तरह से ये धागा बन रहा है। ये जो है ना पहले ये चरखे से भी बनता था। हाँ, पहले चरखे से बनता था, अब मशीनीकरण आ गया है और मोगा इस तरह से अलग अलग तरह के सिल्क का निर्माण धागे का किया जाता है। इसी से वस्त्र जो है सिल्क वस्त्र जो आप पहनते हैं, जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर और इस तरह से यहाँ के जो उत्पाद हैं उसका भी प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सिल्क के उत्पाद जो हैं वो शायद सामने हैं, मोगा सिल्क आप देखिए, बहुत ही आसाम का फेमस होता है मोगा सिल्क। तो इस तरह से और काफ़ी कॉस्टली भी होता है, हमें लगता है ट्रेड फेयर में क्या सेल भी हो रहा है? यस, सेल हो रहा है। कितने का ये मोगा सिल्क की साड़ी है? ये 66,000 का है। 66,000? यस। तो प्योर है मोगा सिल्क का, ट्रेड फेयर के असम पेवेलियन में 66,000 की मोगा सिल्क की साड़ी है। तो ये दर्शकों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बाकी ये गमछा जो होते हैं ये भी 350 रुपये वगैरह के। यस, ये प्योर कॉटन है। प्योर कॉटन, प्योर कॉटन जो है, मालवरी सिल्क है। जी हाँ, मालवरी सिल्क बिल्कुल, बहुत ही असम के जो सिल्क होते हैं वो बहुत ही फेमस है। एरी सिल्क, जी हाँ, एरी सिल्क, मार्बल सिल्क, मोगा सिल्क, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से आसाम को ट्रेड फेयर में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वहाँ की जो वस्त्र विन्यास है, वहाँ के बांस के जो प्रोडक्ट हैं वो भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हैं आसाम को यहाँ पर आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग, चाहे आसाम की चाय हो या और भी वस्त्र विन्यास हो, बहुत ही खूबसूरत आज आसाम डे जो है मनाया जा रहा है। और आसाम डे को लेकर यहाँ आसाम टूरिज्म का भी है, अगर आप आसाम घूमना चाहते हैं तो आप आसाम के बारे में यहाँ आसाम टूरिज्म पर जानकारी ले सकते हैं। आसाम के ड्रेस में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये ड्रेस जो है आसाम डे पर प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए टूरिज्म, आप देख सकते हैं आसाम टूरिज्म का भी स्टॉल है, आप आसाम जाना चाहते हैं तो यहाँ जानकारी ले सकते हैं। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद, अब इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस यहाँ आसाम पेवेलियन को कवर कर रहा है और तमाम तरह के उत्पादों के साथ अन्य बातों की जानकारी और वस्त्र विन्यास देखिए आसाम का कितना खूबसूरत लग रहा है, भारतीय परिधान। वसुधैव कुटुंबकम, जय हिंद जय भारत।